अभी जिन परिवार का पर लोग नहीं मिले थे उनको 10,000 रुपया हमने मदद तत्काल उनके पारिवारिक सुविधा के लिए सब लोग गरीब मैंने हमारी पार्टी के तरफ से कर दी गई। हम आज से ही अनवरत आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आधी आबादी और सुविधा से वंचित है तो हमने जरूरत होगी तो इसके लिए हम ब्लॉक में धरना भी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम रोड भी जाम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव मुजफ्फरपुर में नाव हादसे वाली जगह पहुंचते हैं और लोगों को आर्थिक मदद करते हैं। इस दौरान वो चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द पुल नहीं बना तो पप्पू यादव आंदोलन पर बैठ जाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूँ आरसीडी पुल जो लगातार नदियों पर बन रही, जिसके सेक्रेटरी हैं अमृत प्रतिम और मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी। मैं प्रयास करूंगा, वैसे कल रोसरा में अपराधियों के खिलाफ मेरा बंद है, मैं प्रयास करूंगा कि कल 10 बजे निकलने के पहले मुझे दोनों आदमी से बातचीत हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी जरूरत यदि यहाँ कुछ है तो वो मधुर पट्टी और भटगामा के बीच में जो पंचायत बलौर पड़ता है, बलौर निधि, जहाँ आधी आबादी और सुविधा से वंचित है। तो हमने जरूरत होगी तो इसके लिए हम ब्लॉक में धरना भी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम रोड भी जाम करेंगे। हम सरकार से डीएम साहब से हमने कहा कि आप लिख कर जो आप सरकार को भेजिएगा उसकी एक कॉपी हमको दे दीजिए और उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि बनता, जबकि पहले भी 7 आदमी यहाँ मर चुके हैं और लगातार यहाँ से मंत्री संतरी सरकार से जुड़े लोग रहे हैं। पता नहीं एमपी एमएलए की जिम्मेदारी ये क्यों नहीं महसूस करते हैं। कब तक 5 किलो अनाज पर ही जनता मस्त हो जाएगी और ईटा पर और मिट्टी, भारत की मिट्टी पर, ये तो जनता जाने। जब जनता कोई बात कहती है तो मुझे लगता है कि जनता सबसे बड़ा दोषी है। जिस देश में 5 किलो 7 किलो अनाज पर जनता खुश हो जाए, जीवन चला ले, और जिस देश में जाति और हिंदू मुसलमान पर जनता खुश हो जाए और उसके बाद जब बड़ी बड़ी बात जनता करता है तो ये दुनिया का सबसे दुखद घटना है। इन सारे चीजों की जिम्मेदारी जनता है कि उन्होंने लड़ना और आवाज देना छोड़ दिया। बलौर के लिए डीएम साहब से कहा कि अविलंब इसको आप रूम बनवाइए। अभी जिन परिवार का पर लोग नहीं मिले थे उनको 10,000 रुपया हमने मदद तत्काल उनके पारिवारिक सुविधा के लिए सब लोग गरीब मैंने हमारी पार्टी के तरफ से कर दी गई। निश्चित रूप से 4 लाख का चेक मिला है। मैं समझता हूँ कि अविलंब लाश मिले न मिले, यह कानून कहता है कि लाश मिलने के बाद हम देंगे, लेकिन मेरा प्रेशर रहेगा कि 2 दिनों तक यदि लाश नहीं मिलता है तो सारे परिवार को 4-4 लाख का चेक सरकार दे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बलौर पंचायत खास तौर पर मधुरपट्टी और भटगामा की आजादी के लिए हम आज से ही अनवरत आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें, हम मुख्यमंत्री तक मिलने का प्रयास करेंगे इस घटना के बाद, ये भरोसा रखें। तो आपने सुना कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने लोगों को आर्थिक मदद की है, 10,000 रुपये दिए हैं। जिनके परिवार वाले जो हैं वो डूब गए थे उनको 10,000 रुपये की मदद की है। वहीं पिंटू सहनी के परिवार को 20,000 रुपये की पप्पू यादव ने आर्थिक मदद की है। इस दौरान पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पर पुल नहीं बनता है तो पप्पू यादव आंदोलन पर बैठ जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ साफ चेतावनी दी है और पिंटू सहनी के नाम पर पुल बनना चाहिए इसकी भी उन्होंने मांग की है और सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि पप्पू यादव यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। तो बहन रहिए लाइव सिटीज के साथ।